सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हार्दिक एक्स। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रैंक सिमुलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने हमारा बार ये चिकन का कूप बना दिया था, और हमारे पास बार्न हाउस भी है हमारे लिए। तो अब तक हमारे पास कोई भी घर नहीं है हमारे पास, और अब तक हम उस टेंट में रह रहे हैं। तो उसके लिए अभी मुझे घर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार बिना घर के रह रहा हूँ। बार्न हाउस है, कूप है, पर सिर्फ घर नहीं है। तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि इसके पास सब कुछ है पर घर ही नहीं है। तो यार इसलिए आज के एपिसोड में हम घर बनाने वाले हैं। तो यार इसमें अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा वाला घर बनाऊँ, तो यही वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो वॉल जो है वो इससे बड़ा है बाकी, और इससे छोटे हैं। तो जो बड़ा वाला है वो तो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, और छोटे वाले तो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो इसमें मैंने सोच रहा हूँ कि यही वाला बना लेते हैं। पर ये घर है भी अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस घर। और इस घर में शायद दो तीन तो रूम होंगे आराम से, तो अपना काम हो जाएगा, और स्टोर रूम भी होगा। ये वाला घर शायद वो पिछले वर्जन में जो था ना, पर वही वाला है जो अपन को बनाना पड़ता था। तो सेम घर है, पर बस इस बार अलग तरीके से बनाना है। और इस बार हमको ये पेंट भी अलग से दे रखा है, कि पेंट भी हमें करना, अपन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंट खुद ही करेंगे। चल तो आगे पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर इसके लिए मेरे को बहुत सारे प्लैंक्स और कॉन्क्रीट और मेटल भी चाहिए पड़ेंगे, तो यार वो सब भी लेके आना पड़ेगा। पहले तो जल्दी से सुबह कर देते हैं। तो यार गाइस मैं रात में तो सो गया था, और उसके बाद अभी सुबह हो चुके है। तो यार अब सुबह ही काम करते हैं, क्योंकि रात में तो अंधेरा हो जाता है। तो उसके बाद अंधेरे में काम करने में ज़्यादा मज़ा वज़ा भी नहीं आता है। अब जल्दी से ये वुड प्लैंक्स लगा देता हूँ। तो यार ये लग क्यों नहीं रहा? चल गाइस इसको एक एक करके लगाना पड़ेगा। मुझे लगा कि जैसे अपन ने चिकन कोप में एक साथ एक ही जगह पर डाल दिए थे सारे वुड प्लैंक्स, तो वैसे इसको बनाना होगा। तो यार फिर कितना ईजी हो जाता अगर एक जगह डालते। तो चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे करके लगा देते, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। क्योंकि पिछली बार तो वुड प्लैंक्स वहाँ से लेके आने पड़ते थे एक साथ, और एक बार में अपन ने तीन ही उठा पाते थे। तो यार पिछली बार तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत थी, इस बार फिर भी उससे आसान ही। और वैसे भी 35 वुड प्लैंक्स ही लगाना है, और इसमें से 8 तो लग चुके हैं। तो यार अब जल्दी से बाकी भी सारे लगा देता हूँ मैं। तो ये ऊपर तो एक और लग गया, और ये दूसरा भी लग गया। यार अब तो मैं हाइट भी नहीं पहुँच रही है, तो यार ये कैसे लगेगा? तो साइड, चलो साइड वाला लगा देता हूँ पहले। तो ये चौथा भी लग गया, ये नीचे नहीं लगेगा क्या? तो गाइस नीचे तो नहीं लग रहा है, पर कम से कम वैसे पता तो चलना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर लगेगा। पूरा पूरा ब्लू है, ऐसे पता कहाँ चलेगा कि हमको कि कहाँ कहाँ पर लगाना है? ऐसे हम नीचे लगा के देख रहे हैं, नीचे लग ही नहीं रहा है फ्लोरिंग पे। तो ऐसे फ्लोर नहीं बनेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, अब इतना जितना है उतना तो लगा देता हूँ। और इसके बाद अब और जाके लेके आता हूँ। तो यार गाइस 16 तो लग चुके हैं, अब 19 और वुड प्लैंक्स लगाने बाकी है। तो यार ये भी जल्दी से लगा देता हूँ, 19 वुड प्लैंक्स ही बचे हैं। अब चलो अंदर जाके लगाते हैं। ये अंदर तो मैं आगे नीचे, ओह हाँ यार मेरे को लगा कि अभी मैं ऊपर चलूँगा। तो यार ये वाला वुड प्लैंक, तो यार गाइस ये भी वुड प्लैंक लग गया है। और इसके बाद सीढ़ी पर लगा देता हूँ। अगर सीढ़ी पे भी लग चुका है वुड प्लैंक, इस पे लग ही नहीं रहा है यार। ये ऊपर वाली सीढ़ी पे क्यों नहीं लग रहा है? शायद ऊपर जाके लगाना पड़ेगा हमको, इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है और इसके बाद फिर लगाना है। अभी भी नहीं लग रहा है। सर चलो साइड में लगा देता हूँ, तो वहाँ तो लग नहीं रहा है। सर उसके लिए जब वापस आता हूँ एक बार और लेके, तो अब तक जब तक यहीं वाले लगा देता हूँ सारे। और ये ऊपर वाला भी लगा देना पड़ेगा, ये भी नहीं लग रहा है यार। क्या ऊपर चढ़ के लगाना है? और ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा, पर और ट्राई करते हैं। नहीं यार गाइस ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है यार इस गेम में। ये थोड़े बहुत ग्लिचेस रह गए इस गेम में, वो पूरे पूरे से हटाए नहीं इन लोगों ने यार। तो यार ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो यार सीढ़ी पे तो लग नहीं रहा, अब क्या करना है? यहाँ से लगा, यहाँ तो यार गाइस लग गया था यार। शायद हमें इसके नीचे आके लगाना था, वो मुझे पता नहीं था, तो मैं शायद गलती कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है। तो गाइस 24 तो वुड प्लैंक्स लग चुके हैं, अब बस 11 वुड प्लैंक्स और लगाने हैं। और उसके बाद फिर मेटल और कंक्रीट लगाना है। तो मेटल और कंक्रीट तो मैं लेके आ गया था दुकान से जाके, अपनी जो ये कौन सी हार्डवेयर स्टोर है वहीं पे मिलता है, जनरल स्टोर पे तो ये चीज़ मिलती नहीं है। तो यार वहीं से लाना पड़ा। तो ये वो प्लैंक भी लगा दिया है, और इसके बाद ये वाला बाद में लगाऊंगा, ताकि क्योंकि अभी ये अगर यहाँ लगा दूंगा तो अपने अंदर बाहर करने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर पूरा घूम के अंदर आना पड़ेगा। तो इसलिए पहले साइड वाले बाकी सब लगा देता हूँ, और इसको लास्ट में लगा दूंगा। ये भी नहीं लग रहा है यार, जबकि ऐसे हम प्रेस ई टू इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो सपोर्ट तो कर रहा है फिर भी लग नहीं रहा है। तो ये गेम का ग्लिच है इसके अंदर, कुछ थोड़े बहुत तो ग्लिच रह गए हैं। अभी पूरे तरीके से गेम तैयार नहीं हुआ है इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर कॉर्नर पे भी लिखा हुआ है कि अर्ली एक्सेस गेम का ये, पूरा गेम तो आया नहीं है। खैर देखते हैं, वेट करते हैं ये कब तक आएगा पूरा गेम। और ये बस ये थोड़ा सा वुड प्लैंक और 5 वुड प्लैंक्स और लगाने बचे हैं, 30 तो हो गए, 4 और बचे हैं गाइस। तो यार इसको भी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, और इसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या काम करना है अपन को। कि इसके बाद घर तो अपना बन जाएगा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। और आज का एपिसोड में घर तो अपन कंप्लीट कर देंगे वैसे करके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा सामान भी पड़ा हुआ है।
तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अपन को घर बनाने में। और फिर एक बार अपने पास घर हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपन और भी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बना सकते हैं, तो यार इसलिए अच्छा रहेगा। तो ये भी लग गया यार, कैसे अपन यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ये पेंट ऐसा कैसे पड़ा है, हिल भी नहीं रहा है, पेंट को अपन हिला भी नहीं सकते हैं, तो पता नहीं ऐसा कैसे पेंट रखा हुआ है इन्होंने। और वो भी हवा में पड़ा है पेंट, क्योंकि ऐसे नीचे तो ज़मीन है नहीं इसके, ये हवा में रखा हुआ है, हिल भी नहीं रहा, तो कैसे रखा है इन्होंने, क्या गेम का सिस्टम है ये क्या पता। चलो कोई बात नहीं, आगे का यार ये लगाता हूँ इसके बाद। वैसे ऊपर जंप नहीं हो रहा है और यहाँ से लगेगा ये, गाइस ये तो लग गया है यहाँ से, नीचे से लग गया, तो चलो अच्छा है ना, फिर ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ता है और ये नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये वाला यहाँ से लगेगा गाइस, ये वाला तो नहीं लग रहा अभी यहाँ से, तो यार गाइस इसको आगे जाके लगाते हैं, यहाँ से भी नहीं लग रहा। चलो देखते हैं यार कहाँ से लगेगा ये, फिर ये लग ही नहीं रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब ये 10 में से 4 तो ऐसे हैं जो लगते नहीं अपने, पता नहीं क्या, इतनी मुश्किल होती है इनको लगाने में। फिर भी चलो देखते हैं अब कितने में लगेगा, तो बस एक ही लास्ट लगाना बाकी है, तो लास्ट यार मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से तो नहीं लगने वाला। चलो देखते हैं अभी लास्ट का क्या करना है। तो यार गाइस मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से जाके लगाऊँ, बाहर से शायद जाके लग सकता है, क्योंकि पहले वाला भी अपन ने इसके बाद बाहर से ही लगाया हुआ था और फिर वो बाहर से लग गया था, तो यार इस बार भी बाहर से जाके लगा के देखते हैं एक बार, कि क्या पता लग जाए, और नहीं लगता है तो फिर कुछ ट्राई करते हैं अपन की, कुछ तो करेंगे उसके बाद लगाने के लिए इसको। तो यार चलो अब जल्दी से लगाता हूँ उसको। यार गाइस ये, यार गाइस अपन अभी इसके पास तो आ चुका हूँ मैं, और ये हाँ, तो गाइस यार अपना वुड प्लैंक का तो काम पूरा कंप्लीट हो गया, और ये बहुत मुश्किल से हुआ है, पता नहीं कब से लग ही नहीं रहा था। तो अब ये जल्दी से कॉन्क्रीट और अपने मेटल जो है, पहले तो मेटल लगा देता हूँ, मेटल शायद 45 चाहिए, अपने पास 5 और बच ही जाएंगे बाद में, तो अपन किसी और काम में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी मेटल लगा तो इस गेम में बहुत ज़्यादा काम है, हर जगह मेटल ही यूज़ होता है, मतलब कोई भी चीज़ बनानी हो मेटल, लाइट बनानी हो मेटल लग जाता है, और कोई भी चीज़ हो हर चीज़ में मेटल है। और ये कंक्रीट शायद 175 चाहिए अपने को, तो अपना बहुत सारा कंक्रीट भी बच जाएगा अपने घर बनाने के बाद, 75 बच जाएगा कंक्रीट, 75 kg, क्योंकि 5 पैकेट है, और अपने जो 4th पैकेट में 25 kg लगने वाला है, उसके बाद बाकी सारा तो बच ही जाएगा। खैर कैसे कंक्रीट तो लगा दिया, और उसके बाद अपना घर भी कंप्लीट हो चुका है बन के, खैर अब देखते हैं कि घर कैसा बना है। खैर कैसे, हाँ यार ये वो पिछले वर्जन वाला ही घर है जो मैं बोल रहा था आपको, हाँ, तो ये गाइस वही वाला सेम वाला घर है जो पिछले वर्जन में था अपने पास, 7th या 8th नंबर पे था शायद, मुझे याद तो नहीं है। और ये लाइट कैसे चालू होती है नहीं बटनों का, तो चलो एक बार टीवी चालू करके देखते हैं कि टीवी पे क्या आ रहा है। और ऐसे चैनल भी सेम ही है जो पिछली बार आते थे, वही गाड़ी वाला और ये बार ना, उस पर रेंच जो भी है इनका, घोड़े हैं। फिर कैसे इस गेम में घोड़े भी हैं, पर पता नहीं अब तक चालू क्यों नहीं करा है इन्होंने घोड़े लाना। फिर गैस भी है, बेसिन भी है, सब कुछ ही है घर के अंदर, पर बस अपन यूज़ नहीं कर सकते किसी को। और रेडियो भी है, तो शायद ये गेम पुराने ज़माने के हिसाब से बना रखा है, इसलिए अपन को बार नाउस दिया है, रेडियो भी दिया है, तो ये शायद 90s के टाइम का होगा गेम। फिर गाइस ये मैंने रेसिपीज़ भी बना दी थी कुछ, तो यार आप ही बताना कि आपको भी कौन कौन सी रेसिपी बनवानी है मुझसे। सोच रहा हूँ कि यहाँ से डिलीवरी वाला काम भी शुरू कर दूँ, तो आप भी अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो बता देना मुझे क्या ऑर्डर करना है। तो यार ये गैस पर रखते हैं इसको, इसको नहीं रख सकते क्या गैस पर, क्या बताओ, वरना ऐसे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन ग्रीन आ जाता है अगर रखना होता है तो। चलो कोई नहीं, वो प्रेस की टू ट्रेक प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट निकाल सकते हैं पहले से। ओ ये तो वो है मीट बॉल, इसको अंदर रख सकते हैं, नहीं तो इसको कहाँ रखूँ, हाँ इसको यहाँ पे लटकाते हैं ना, हाँ याद आया, स्टोर रूम में जाते हैं, और हाँ वैसे ही रहा, इसको यहाँ पे अपन को लगाना है, तो ये तो बहुत ईजी है, पता नहीं मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था इतने देर से। तो चलो यार अब जल्दी से बाकी भी और भी जो मेरे पास बहुत सारे पावर पड़े हैं, क्योंकि जो आपको बताया था कि पिछली बार की जितने भी मेरे पास पिक्स थे सारों को मैंने मार दिया था, अब मैंने तो नहीं मारा था मतलब, पर अपने सारा वो उनका खाना ख़त्म हो गया था, और मैं अपना बार्न हाउस बनाने में इतना बिजी हो गया था कि मैंने याद ही नहीं किया कि वो सब मर गए। तो यार आप गाइस देख सकते हो कि सामने वो भी येलो ब्लू बाउंड्री बनी हुई है, तो अभी तक उसमें भी लकड़ियाँ लगानी बाकी है, तो उसको बाउंड्री को भी कम्प्लीट करना है। तो पहले तो यार यहाँ पर ये लगा देता हूँ, फिक्स करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मशीन को ही यहाँ ले आऊँ। तो चलो अभी तो जितनी देर वहाँ पे हो, क्योंकि यार एक तो ये मशीन भी वो घुमाने वाली है, अभी इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन भी लेके आनी है वो, जो उससे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको अपन को माउस को गोल गोल घुमाना पड़ता है इसमें, देखना अभी पहले तो पैन को, ये पैन ही है ना, हाँ, तो यार गाइस पहले तो पैन को ही उठा के लगा देना है इसके ऊपर, और उसके बाद फिर इसको घुमाना है ऐसे गोल गोल, माउस को पूरा गोल गोल घुमाना है, मतलब इतना रियलिस्टिक, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको घुमाना, और इसे अपन को पानी भी निकालना होता है, तो ऐसे घुमा घुमा के पानी निकालना होता है, और ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गेम में।
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ अपन जो है ना उस ब्लू वाली लाइन में बाउंड्री में करेंगे, ग्रीन बाउंड्री में, जो अपन जो फीडर बनाते हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर जो आता है ना। अरे गाइस अब इसमें एग डाल देते हैं, क्योंकि एग डालते हैं ना तो किसी भी चीज़ जाकर अपन कोई भी चीज़ में एग डाल देते हैं तो उसके प्राइस $10 बढ़ जाते हैं, और एग की प्राइस $6 है तो अपन को $4 का हर जगह फ़ायदा होता है। तो $4 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ मतलब $4 ऑलमोस्ट मतलब 300 रुपये होंगे इंडिया के हिसाब से, तो ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको वेस्ट थोड़ी करेंगे। ये फिर से क्यों हो रहा है? हाँ तो है गाइस ये फिर से पूरा ही उठ गया, फिर उठ गया, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये मीट बॉल तो यार गाइस इसको, ये तो आ गई हाथ में, अब इसको भी जल्दी से लगा देता हूँ मैं। ये फिर टकरा गया, मैं मतलब ये स्पीड ज़्यादा करता हूँ ना तो ऐसे टकरा जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे। ये अपना आपा खो बैठता है, इसको भी ऐसे बाहर से लगा देता हूँ मैं। अरे गाइस ये अपना अभी तक बस 4% हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है मतलब। और ये कितना, ये 20% हो गया है, 20% तो है गाइस, पहला वाला 20% हो गया, तो इतना भी स्लो नहीं है। शायद फोर्थ वाला जो 4% हुआ है वो अभी लगाया होगा अपन, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इससे 4% हुआ है। और गाइस ये सब पूरा पूरा भरा हुआ है सारे, और दो चिकन भी थे मेरे पास, वो भी दोनों मर गए थे, खाना उनको भी नहीं दिया, तो वो भी चिकन के भी उनका पड़ा हुआ है इसी के अंदर। ये कूलर भी मैं 5 लेके आ गया था। फिर गाइस वैसे कूलर की रेट बहुत ज़्यादा है, $96, इनको कूलर की रेट थोड़े से कम करनी चाहिए, क्योंकि इतना महंगा नहीं होना चाहिए कूलर। वैसे भी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं कूलर, जो इतना महंगा दे रखा है अपन को। तो यार गाइस अब इसको बस हाथ से गोल गोल घुमाना है। तो यार ये मैं, तो यार गाइस मैं ये करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में कमेंट कर दो कि आपको कौन सी रेसिपी पसंद आ रही है और आपके घर में कौन सी डिलीवरी करवाऊँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट। और यार वीडियो को शेयर करो यार, शेयर ही नहीं कर रहे हो आजकल तुम लोग, पता नहीं तुमको क्या हो गया। वैसे तो आजकल तो क्या तुमने कभी शेयर नहीं किया, पर आज तो कर दो। चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करना है, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं मेरे, पता नहीं क्या इतना टाइम लग रहा है यार। अगर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। चलो बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।